लंबे समय के बाद छत्तीसगढ़ में आज से 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। राजधानी रायपुर में यह टीकाकरण अभी केवल जिला चिकित्सालय में लगाया जा रहा है। वहीं होली के चलते वैक्सीनेशन लगवाने का बच्चों में उत्साह कम देखने को मिला। अस्पताल में वैक्सीनेशन लगाने वालों ने बताया कि सुबह से केवल 5 बच्चों ने ही कोरोना बचाव का टीका लगवाया है। उनका मानना है कि होली के चलते फिलहाल बच्चे कम आए हैं, होली के बाद बच्चों की भीड़ आने की उम्मीद है। वहां टीका लगवाने आए बच्चों ने बताया कि वे सब बेसब्री से वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे थे और आज उनका इंतजार खत्म हुआ है। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन लगवा के वे बहुत खुश हैं और उन्हें वैक्सीनेशन का कोई दर्द या बुखार नहीं लग रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21, मैं हूँ प्रियांशा और आप जानते हैं प्रदेश में आज से टीकाकरण कोविड टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। इस वक्त हम जिला अस्पताल में मौजूद हैं जहाँ पे बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है, मगर बहुत ही कम लोगों को देखा जा रहा है। यहाँ बहुत कम बच्चे उपस्थित हैं जो टीकाकरण लेने के लिए आए हैं। आइए जानते हैं जो टीकाकरण ले रहे हैं उनसे। सर, बहुत टाइम बाद आप यहाँ पे आए हैं और टीकाकरण लगाए, आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा है। इंतज़ार तो करना पड़ा है हमें भी बहुत दिन से, अभी चालू हुआ है तो आ जाएँ लगवाने के लिए। टीकाकरण लगा के आपको कैसा लग रहा है? हाथ में थोड़ा दर्द है और ठीक लग रहा है बाकी। आइए यहाँ बैठे वैक्सीनेशन लगाने वालों से पूछते हैं। सर, यहाँ पे आज कितने बच्चों ने वैक्सीनेशन लगा लिया है? ये अभी तक मॉर्निंग से 5 लोगों को लग गया है वैक्सीन, जो बच्चे हैं 12 से 14 साल वाले को। रायपुर में सिर्फ एक ही जगह पे वैक्सीन क्यों लग रही है? इसका तो जानकारी हमें भी नहीं है, क्या है ये पोर्टल में भी अपडेट नहीं हुआ है, हो सकता है उसी कारण से हो सकते हैं जी। अब बच्चे यहाँ पे उत्साह क्यों नहीं दिख रहा है? सिर्फ एक या दो ही बच्चे यहाँ पे वैक्सीनेशन क्यों लगवा रहे हैं? ये बहुत सारे लोग को जो जानकारी नहीं है कि यहाँ वैक्सीन लग रहे करके, और दूसरे दूसरे सेंटर में जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा क्या है कम नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जी। आपने देखा, इन्होंने बताया कि जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कोविड टीकाकरण केंद्रों की भी संख्या बढ़ती जाएगी। आइए हम एक बार और जानते हैं इनसे। सर, आज सुबह से कितने बच्चों का टीकाकरण हो गया है? अभी तक तो फिलहाल 5 लोगों को लगाए हैं हम लोग, और दिक्कत यह है, मेन दिक्कत तो कि अभी पोर्टल अपडेटेड नहीं है हम लोग का, अभी सिर्फ रजिस्टर मैनुअली मेंटेन करके ही लगा रहे हैं। इस वजह से काफ़ी दिक्कत भी हो रही है, और लोगों को क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आने में सुविधा भी होती है, तो पोर्टल अपडेट जैसे ही होगा ना, भीड़ भी बढ़ जाएगी, सेंटर जो अभी कम है वो भी बढ़ जाएंगे, तो इस तरह से भी चल रहा है। वैक्सीनेशन लगाने के बाद बच्चों में किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं? अभी तो फिलहाल अभी 4-5 लोगों को हम लोगों ने लगाया सुबह से, तो अभी तक तो सब नॉर्मली ठीक ही हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई है, और हमने उसके लिए सुविधा यहाँ पे बना के रखा है, ऑब्जर्वेशन रूम बनाया है, वहाँ पे बैठा रहे हैं आधा घंटा, उसके बाद उन लोग को यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक और आए हैं जो कोरोना वैक्सीन लगवाना है। मैम, आप कहाँ से आई हैं? 26 न्यू पंचन नगर सिविल लाइन्स। आप कोरोना वैक्सीन लगवाने आई हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ठीक। काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा है आपको, पहले एडल्ट्स को ये इंजेक्शन लगाया, उसके बाद अभी आपको लग रही है? हाँ। आपने देखा किस तरह से उन्होंने बताया कि सुबह से अब तक 5 बच्चों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। और इसी तरह के अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।